तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एलडी प्लेयर का एक लाइट वर्जन प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो अगर आपके पास एक लो एंड पीसी है और आप अपने लो एंड पीसी में फ्री फायर और फ्री फायर गेम को प्ले करना चाहते हो जिसमें एटलीस्ट 4 GB या फिर 8 GB रैम है, तो आप इस एमुलेटर को अपने पीसी में इंस्टॉल करके फ्री फायर और फ्री फायर गेम को इजिली प्ले कर सकते हो। तो दोस्तों, आप जो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो इसको कैसे डाउनलोड करना है, इसकी सेटिंग वगैरह सब कुछ जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने पीसी में एलडी प्लेयर 3 एमुलेटर को डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है एंड यहां पर आपको सर्च करना है एलडी प्लेयर एंड उसके बाद आपको जो है यहां पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहां पर आप जो इसकी वेबसाइट पर आ जाओगे एंड उसके बाद आपको जो है यहां पर पीवीआर वर्जन का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहां पर आपको जो है एलडी प्लेयर 3 एमुलेटर मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद अब आपको सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। तो आप जैसे ही यहाँ पर एलडी प्लेयर एमुलेटर को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको जो है कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर सतपथ का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करके आप जो है यहाँ से इसे किसी भी ड्राइव में किसी भी फाइल लोकेशन में इंस्टॉल कर सकते हो एंड लोकेशन सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है ये एलडी प्लेयर एमुलेटर इंस्टॉल होने लग जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है, कुछ ही सेकंड में जो है यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा एंड इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको जो है सिंपली यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करके एमुलेटर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये एमुलेटर लॉन्च हो चुका है एंड कुछ इस प्रकार का जो है हमें इसका इंटरफेस जो है देखने को मिल जाता है। तो अब आपको इसमें फ्री फायर गेम को इंस्टॉल करने से पहले आपको जो इसकी कुछ सेटिंग को कर लेनी है। तो आपको जो है यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले एडवांस में ये रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पर रेजोल्यूशन 1280 रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेना है एंड अगर आपके पास एक लो एंड पीसी है तो आप जो है यहाँ पर 960 रेजोल्यूशन जो है सेलेक्ट कर सकते हो। एंड सीपीयू में आपको क्या करना है कि अगर आपके पीसी में 2 कोर है तो आप यहाँ पर 1 कोर सेलेक्ट कर लेना एंड अगर आपके पीसी में 4 कोर है तो आपको यहाँ पर 2 कोर सेलेक्ट कर लेना है। एंड रैम की बात की जाए तो अगर आपके पीसी में 8 GB रैम है तो आप यहाँ पर 4 GB रैम सेलेक्ट कर लेना है एंड अगर आपके पीसी में 4 GB रैम है तो आपको यहाँ पर 2 GB रैम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर सेफ सेटिंग पर क्लिक करके एमुलेटर को एक बार रिस्टार्ट कर देना है जिससे आपकी सारी सेटिंग जो है अप्लाई हो जाए। एमुलेटर को रिस्टार्ट कर लेने के बाद अब हम जो है इसमें फ्री फायर गेम को इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, प्ले स्टोर का और एड एपीके का ऑप्शन। तो आप जो है यहाँ पर एड एपीके के थ्रू भी जो है इसमें फ्री फायर गेम को इंस्टॉल कर सकते हो या फिर आप जो है यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाकर के आप जो है यहाँ से डायरेक्ट फ्री फायर गेम को डाउनलोड करके प्ले कर सकते हो। तो मैं जो है यहाँ पर एड एपीके पर क्लिक करके यहाँ से जो है फ्री फायर गेम को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये फ्री फायर गेम इंस्टॉल हो चुका है। तो अब आपको सिंपली यहाँ पर गेम को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है गेम ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, जब तक यहाँ पर ये गेम ओपन हो रहा है तब तक अगर आप वीडियो में नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये फ्री फायर गेम ओपन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर इसकी की मैपिंग की बात की जाए तो यहाँ पर इसकी सेटिंग में जाएंगे एंड यहाँ पर कंट्रोल एंड यहाँ से कस्टम HUD को ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको जो है ये की मैपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है की मैपिंग ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस प्रकार से जो है हमें यहाँ पर इसकी की मैपिंग जो है देखने को मिल जाती है। तो अब आप यहाँ पर जैसे मर्जी की मैपिंग अपने हिसाब से रखना चाहते हो आप जो है यहाँ पर रख सकते हो। उसके बाद आप जो है यहाँ पर सेव पर क्लिक करके आप जो है यहाँ से की मैपिंग को सेव कर लेंगे। उसके बाद हम जो है यहाँ पर डिस्प्ले में जाएंगे एंड यहाँ पर हम जो इसे स्टैंडर्ड पर और यहाँ पर जो इसे नॉर्मल पर कर देंगे एंड उसके बाद अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब आप जो इसमें इजीली गेम को प्ले कर सकते हो एंड अगर आपको फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप जो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।